अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शमशुद्दीन और आप सबका मेरा इस चैनल शिरीन एजुकेशनल में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में प्रोनाउन के जो किस्में हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर हिस्से के बारे में अलग अलग से हमें पढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जो पांच हिस्से प्रोनाउंस के, उसका जो एक हिस्सा, पहला जो हिस्सा है, पहला जो टाइप है, वो पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बारे में आज हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। और दूसरी बात है, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक से ज़्यादा को इसका फ़ायदा हासिल है। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस के पांच टाइप्स हैं। एक तो पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आप उर्दू याद रखो या ना रखो, लेकिन अंग्रेजी में याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उर्दू का जो ग्रामर है सिर्फ आपको 10वीं तक काम देगा, लेकिन 10वीं के बाद क्या, यानी अक्सर सारा का सारा ग्रामर अंग्रेजी में रहेगा। तो ये पांच टाइप्स है प्रोनाउन के। हमें सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? इसके पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और उसके बाद में वर्ब किसे कहते हैं, ये तीन चीजों को सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने से पहले इन तीन चीजों को समझेंगे कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, ये क्या चीज है। सबसे पहले इनको हम समझेंगे मिसालों के जरिए से। मैं आपको कहने, सब्जेक्ट क्या चीज है और ऑब्जेक्ट क्या है और उसके बाद में वर्ब क्या है, इनका जुमलों में क्या इस्तेमाल है, सबसे पहले इसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जुमले में किसी भी काम को करने वाला, किसी भी काम को करने वाला। तो मतलब जितने जुमले हमें, जो हमें अपनी जुबान से निकालते हैं, उसमें जो काम करने वाला जो होते हैं, मेन जो काम करने वाला होते, जो एक्शन जिसके हाथ से हो रहा, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसा आई, मैं खाना खाता हूं, यानी खाना खाने का जो काम है वो मेरे से होने लगे तो वह आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। अब लिखने वाले कौन है, हम हैं, तो ये वी क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसी तरह यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, खेलने का जो काम कौन कर रहे, यू कर रहे, तुम कर रहे, तो ये तुम सब्जेक्ट हुआ। दे आर वॉचिंग, वो देख रहे हैं, तो ये दे क्या हुआ, देखने वाले कौन है, दे ही वो तमाम, तो ये दे सब्जेक्ट हुआ उस जुमले के अंदर। उसी तरह ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब स्कूल को जाने वाला कौन है, वो है, तो ये ही सब्जेक्ट हुआ, यानी जाने के काम को जो करने लगे उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। अब शी इज वीपिंग, वो रो रही है। अब ये रोने वाली कौन है, शी है, तो ये शी क्या है, सब्जेक्ट है। इट इज फ्लाइंग, ये उड़ रहा है। अब ये उड़ने वाला, बेजान चीजों को, परिंदों को इट का इस्तेमाल करते हैं जो जेंडर का पता ना हो। ये काम करने वाले को, जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जो काम जिससे हो रहा है
उसके करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। जैसा मिसाल के तौर पर वो लड़का मुझे गाली दे रहा है, अब गाली देने वाला वो लड़का है, वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो गाली देने लगे, गाली देने का जो काम जो कर रहे वो लड़का है, वो लड़का सब्जेक्ट हुआ। और गाली किसे दे रहे? वो मुझे देने लगे, ये मुझे जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि वो गाली देने वाले जो एक्शन है, गाली जो एक्शन है वो एक्शन मुझ पर होने लगे, तो मुझे क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। जैसा मेरे अब्बा मुझे पैसे देते हैं, अब देने वाले कौन है? अब्बा है, सब्जेक्ट है। और किसे देने लगे? मुझे दे रहे, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट हुआ। या तो वो लड़का उस लड़की को घूर रहा है, उस लड़की को घूर रहा है, वो लड़का उस लड़की को घूर रहा है, तो घूरने वाला लड़का ये सब्जेक्ट है। किसे घूर रहे? उस लड़की को, यानी जो घूरने का जो एक्शन होने लगे उस लड़की पर होने लगे, तो मतलब ये कहनी उस लड़की, मतलब वो लड़की क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई, जिस पर ये अमल होने लगे, इस पर जो ये एक्शन होने लगे। उस जैसा मी मुझे, अस हमें, यू तुम। देखो सब्जेक्ट के अंदर यू को यूज बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी उसका ऑब्जेक्टिव जो केस है वो यूज रखते हैं। जैसा आई का मी है, वी का अस है, यू का यू है, और दे का देम है, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस है, शी ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट इज है। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई चीज हो, जिस पर भी कहने जो काम हो रहा है उस चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन को कहते हैं, जोन सा भी एक्शन, कौन सा भी काम लो। अब देखो मिसाल के तौर पर ड्रिंक पीना, ये वर्ब है, और राइट लिखना, लिखना एक काम है, एक वर्ब है, यानी जो काम जुमले में होने लगे उस काम को वर्ब कहते हैं। अब वॉच देखना, देखना भी एक काम है, गो जाना, जाना भी एक काम है, कुक पकाना वो भी एक काम है, रीड ये पढ़ना ये भी एक काम है, गिव देना ये भी एक काम है। हमेशा याद रखो वर्ब के अंदर जो उर्दू का उसका माना होते हैं, वर्ब का जो जैसा ड्रिंक का माना क्या है? पीना। अब आखिर में क्या लगे? ना। राइट इसका उर्दू क्या है? लिखना, ना। वॉच देखना, ना। गो जाना, ना। उसके बाद में कुक पकाना, आखिर में ना आने लगे। रीड पढ़ना, इसके भी आखिर में ना आ रहे। ड्यू देना, इसके भी आखिर में ना आ रहे। तो समझो अगर जुमले उर्दू के जुमले के अंदर इसी लफ्ज के आखिर में ना आने लगे तो समझना ये वर्ब है। अब ऐसा भी नहीं कि कहीं चंद ऐसे अल्फाज भी हैं जिसके आखिर में ना आते, जैसा पसीना, ये पसीना वर्ब नहीं है, ये नाउन है। पसीना क्या है? वो वर्ब नहीं है, वो एक नाउन है। उसे अंग्रेजी में स्वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेट यानी पसीना। ये इसके आखिर में भी ना आते तो अब ये नहीं पसीना का तो वर्ब समझेंगे तुम, नहीं वर्ब नहीं है ये, पसीना एक नाउन है। जैसा खिलौना, खिलौना भी एक नाउन है, टॉय, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टॉय। इसके आखिर में भी ना आते खिलौना, खिलौना वर्ब नहीं है, हमेशा याद रखो भाई। ये बहुत सारे वर्ब्स को आप पढ़कर देखो, तुम्हें हजारों वर्ब्स पढ़ो उसके उर्दू के अंदर कहनी, उसी उर्दू में अंग्रेजी के वर्ब्स को उर्दू में कहनी पढ़ो तो आखिर में सब के ना चाहते। लेकिन तीन अल्फाज ऐसे हैं, अब तुम जो स्वेट इसके आखिर में ना आने लगे, पसीना तो ये वर्ब नहीं है ये नाउन, टॉय खिलौना तो इसके आखिर में ना लगे तो ये वर्ब नहीं है ये नाउन। जैसा गोल्ड सोना, सोना के आखिर में भी ना आने लगे तो ये भी कहनी ये नाउन है, गोल्ड वर्ब नहीं है। ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिसके आखिर में उर्दू के मानी के अंदर आखिर में क्या आते? ना आते। अगर ना आया तो ये वर्ब नहीं होते, ये नाउन है। ये सिर्फ ऐसे तीन अल्फाज ही हैं। अक्सर कहनी ज्यादा
अब हम देखेंगे तो तीन वर्ड हैं जिसके उर्दू के माने के अंदर ना का कहनी ना का हुरूफ आते। अब तुम्हें कौन सा वर्ब बोले उसके अंदर आखिर के अंदर क्या आते ना कर पाते। तो ये है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जुमले में किसी भी काम को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जुमले में जिस पर काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्ब किसे कहते हैं, जुमले के अंदर जिस तरह के भी काम होने लगे उसे वर्ब बोलते हैं। अब ये तीनों चीजों को मैं आपको जुमलों के जरिए से समझाऊंगा, क्योंकि अब तो डायरेक्ट समझाया मैंने, कह नहीं सब्जेक्ट बोला उसकी मिसाल दिया, लेकिन जुमले के अंदर सब्जेक्ट कैसा आते हैं, ऑब्जेक्ट कैसा आते हैं और वर्ब कैसा आते हैं, ये जुमले के जरिए से मैं कह नहीं एग्जाम्पल्स के जरिए से आपको समझाऊंगा। इन मिसाल के जरिए से आपको सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है समझाऊंगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं। अब इस जुमले के अंदर लिखने वाला कौन है, मैं लिखने वाला, मैं, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि लिखने का काम क्या नहीं मुझसे होने लगे। आई एम राइटिंग अ लेटर, जो काम करने लगे वो आए है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। और कौन सा यानी किस पर काम होने लगे लिखने का, लेटर पर, ये लेटर क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। और कौन सा काम हो रहा है, लेटर पर कौन सा काम कर रहे, लिखने का काम कर रही, तो ये हुआ वर्ब। तो इस जुमले के अंदर काम करने वाला आए, ये सब्जेक्ट है, और कौन सा काम कर रहे, लिखने का, तो ये वर्ब हुआ। और किस पर काम होने लगे, वो लेटर पर हो रहे लिखने का काम, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरह अब इसमें देखो, ही इज बीटिंग हर, वो उसे मार रहा है। अब मारने वाला कौन है, वो ही, ये सब्जेक्ट हुआ। यानी मारने का काम कौन कर रहे, वो ही करने लगे, ये सब्जेक्ट हुआ। और किसे मारने लगे, उसे, तो ये उसे क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। और वो उसे मार रहा है, तो कौन सा अमल उस पर हो लगे, मारने का, तो ये वर्ब हुआ। ये क्या है वर्ब। उसी तरह शी एब्यूज मी, वो मुझे गाली देती है। अब गाली कौन दे रही है, वो लड़की, ये सब्जेक्ट है। और गाली देना अब ना आ रही कि नहीं, तो मैं अभी समझा तो वर्ब को कैसा पहचान दे कि जो उर्दू की जो कहीं आखिर में अगर ना आया तो वो वर्ब है। शी एब्यूज मी, वो मुझे गाली देती है, यानी गाली देना ये वर्ब है, ये वर्ब। और किसे गाली दे दिया, मुझे, यानी गाली देने का अमल मुझ पर हो लगे, तो ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह इट बाइट्स देम, ये उन्हें काटता है। अब क्या काटने लगे, ये, यानी काटने का अमल कौन कर रहे, ये कर रहे, तो ये सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद कौन सा अमल कर रहे, कौन सा क्या इसके एक्शन इसके हो रहे, बाइट का यानी काटने का, तो ये हुआ वर्ब। उसी तरह दम, इस पर काटने का मोल हो रहे, उस उन पर, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरह अब वी गिव मनी टू हिम, हम उसे पैसे देते हैं। अब देने वाले को नहीं है, हम सब्जेक्ट है, यानी देने का काम कर रहे हैं। किसे दे रहे, उसे दे रहे, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि काम इस पर होने लगे देने का। और कौन सा काम होने लगे, देने का, तो ये देना क्या है वर्ब। उसी तरह यू आर स्कोल्डिंग अस, तुम हमें डांट रहे हो। कौन डांट रहे, तुम, तो ये तुम सब्जेक्ट, डांटने वाला अमल। उसी तरह किसके, किसे डांट रहे, अस हमें, तो ये हमें ऑब्जेक्ट हुआ। कौन सा काम कर रहे उसके ऊपर, डांटने का, डांटना वर्ब। बोला नहीं मैं उर्दू के आकर में ना आते, डांटना, यू आर स्कोल्डिंग अस। अब दे आर कैचिंग थीफ, वो तमाम चोर को पकड़ रहे हैं। अब कौन पकड़ रहे, दे पकड़ रही, वो तमाम, ये सब्जेक्ट है। किसे पकड़ रहे, थीफ को यानी चोर को,
तो चोर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये वो तमाम कौन सा यानी काम कर रहे हैं, कौन सा एक्शन उनके हाथ से हो लगे? कैचिंग यानी कैच, पकड़ना, तो ये वर्ब हुआ। तो ये है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जुमले के अंदर। अब इन जुमलों में देखो, मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। अब पैसे मैं नहीं दे लूंगा, पैसे क्या है, मैं नहीं दे लूंगा, मुझे देने लगे, तो मतलब मुझ पर कहीं देने का काम हो रहे, तो ये मुझे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। यानी देने वाला इनविजिबल है, गायब में, यानी गायब है, नजर नहीं आ रही है। मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, कौन दे रहे पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे देने लगे, काम मैं नहीं कर रहा, मुझ पर कोई काम करने लगे देने का, तो वो मुझे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और देना या देने वाला जो अमल हो लगे नहीं मुझ पर, ये वर्ब हुआ। उसी तरह उस लड़की को स्कूल में पीटा जा रहा है। अब लड़की को पीटने वाले कौन है पता नहीं है, लेकिन जो पीटने का जो एक्शन हो रहे, जो अमल हो लगे, वो उस लड़की पर होने लगे, उस लड़की पर हो लगे, तो मतलब ये लड़की क्या हुई, ये ऑब्जेक्ट हुई, क्योंकि मारने का जो अमल हो रहे, जो एक्शन हो रही, इस लड़की पर हो लगे। और कौन उस कहनी मारने का अमल कर रही, यानी पीटना, पीटने का जो एक्शन जो कर रही है कौन है वो पता नहीं, ये इनविजिबल है, इसे वर्ब बोल रहे पीटना। उसी तरह उस लड़की को इनाम दिया जाता है, कौन दे रहा है, क्या लड़की इनाम दे रही है, नहीं, उस लड़की को इनाम दिया जाता है, तो मतलब जिसे इनाम देने लगी वो लड़की है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या देने लगे उसे, इनाम दे रहे, ये देना क्या हुआ, वर्ब हुआ। और कौन दे रहे पता नहीं, क्योंकि वो गायब में है। उसी तरह यहां देखो, तुम्हें सजा दी जाती है पुलिस के जरिए से, तो मतलब जो तुम्हें है, जिस पर कहीं जो एक्शन हो लगे वो सजा देने की, वो तुम्हें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्योंकि सजा किसे देने लगे, तुम्हें देने लगे, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और सजा कौन देने लगे, यहां आगे भी लेके पुलिस के जरिए से, यानी पुलिस कहीं ने तुम्हें सजा दे दी, तो ये पुलिस क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्योंकि सजा देने का जो काम कर रहे नहीं वो पुलिस है, तो ये पुलिस क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और किसे सजा दे रही, तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि देने का, सजा देने का अमल तुम पर होने लगे, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और कौन सा अमल होने लगे उस पर, सजा देना, सजा देना एक वर्ब है, तो ये वर्ब हुआ। तो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही तो मेरी कहनी वीडियोस के मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर इंस्टाग्राम का कहनी लिंक है, उसे क्लिक करो, शमू सर के नाम से है, तो क्लिक करो इंस्टाग्राम पर, मुझसे पूछो कि कहनी आपको कौन सी चीज नहीं समझ रही है, तो मैं डिटेल से कहनी उसके लिए अलग सा वीडियो में बनाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए से जरूर कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दिल से कहीं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपको गुजारिश करता हूं कि मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका काम है सिर्फ कहनी एक काम है, वो सब्सक्राइब करना और वीडियोज को शेयर करना और लाइक करना।